ने सम्यक दर्शन और अधिक स्थिरता उसको चारित्र लब्धि कहा। उसके साथ तो सम्यक ज्ञान है ही है, परंतु यहाँ दर्शन और चारित्र की अपेक्षा से यहाँ बात चल रही है। यहाँ सबसे पहले जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको सबसे पहले जो सम्यक तो होता है उसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व। बाद में भी सादी मिथ्या दृष्टि को मिथ्या तो आने पर बहुत काल बीत जाता है, असंख्यात वर्ष, तब वो फिर दोबारा जो प्राप्त करता है सम्यक्त्व उसे भी प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। ये पांच लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, उसकी हमने देखी थी विस्तार से चर्चा। क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि के भी तीन अलग अलग परिणाम हैं, तीन अलग अलग अंतर्मूर्तों का यहाँ विस्तार से वर्णन है। पहला है अधः प्रवृत्त करण, दूसरा है अपूर्व करण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण। ये जो ऐसे नाम पड़े हैं वो अलग अलग जीवों के जो परिणामों की विशेषता से तुलनात्मक है इसके नाम है कि अन्य अन्य जीवों के परिणाम समान है क्या असमान है, क्या एक ही समय के लिए समान है क्या उसमें भी असमानता है, ऊपर और नीचे के समयों में भी क्या समानता हो सकती है। तो हमने देखा था कि अधः प्रवृत्त करण में एक जीव के परिणाम अगर देखते हैं तो वो प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध होते चले जाते हैं, परंतु यदि हम ये करण मानने वाले त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा उनके परिणामों की आपस में तुलना करेंगे तो किसी के परिणाम जितने विशुद्ध है पहले समय में, किसी के उतने ही विशुद्धि चौथे समय में पाई जाती है, किसी के दूसरे, किसी के तीसरे। ये चौथा तो हमने एग्जाम्पल लिया है, वैसे यथा योग्य काल तक समानता पाई जाती है, इसको कहेंगे अधः प्रवृत्त करण का ये लक्षण है, उसको अनुकृष्टि कहते, ऊपर और नीचे की समानता हो ना उसको अनुकृष्टि कहेंगे। अनुकृष्टि कृष्टि। अब यहाँ क्या बातें विशेष होती है, अधः प्रवृत्त करण में प्रत्येक जीव की अपनी अपनी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है, तो उसके कारण यहाँ क्या क्या बातें बनती है हमने देखा था। क्या देखा था, कौन बताएगा? विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है? हाँ, स्थिति जो है, स्थिति का बंध वो घटता चला जाता है, किसमें? प्रशस्त में भी और अप्रशस्त में भी। और अनुभाग बंध में क्या विशेषता होती है? प्रशस्त कर्मों में तो अनुभाग बढ़ेगा और अप्रशस्तों में घटता हुआ अनुभाग बंधेगा। नए अनुभाग बंध की बात है, सत्ता का अनुभाग तो घटा ही था, द्विस्थानीय हुआ ही था प्रायोगिक लब्धि के काल में, यहाँ आकर नया बंध भी और हीन अनंत गुणाहीन ऐसा बंधन लगता है। ये चार बातें जो अधः प्रवृत्त करण से शुरू हुई है वो आगे भी चलती ही रहती है, अपूर्व करण आदि आगे के करण परिणामों में भी ये बातें होती ही रहती है। इन एडिशन इसके साथ साथ और कौन सी चार बातें होती है उसकी चर्चा अपनी कल चली थी कि जो अपूर्व करण के परिणाम है उसका नाम क्या है, तो अपूर्व। प्रति समय के परिणाम अपूर्व अपूर्व हो गए, किसी के भी पहले समय के परिणाम किसी अन्य दूसरे तीसरे आदि ऊपर के किसी अन्य जीव के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती। पहले समय की अपनी कुछ परिणामों की रेंज अलग होगी जघन्य से उत्कृष्ट तक की, परंतु वो उत्कृष्ट परिणाम भी ऊपर के समय के जघन्य परिणामों के समान है, वो जघन्य भी इससे अनंत गुणा है। पहले समय का उत्कृष्ट परिणाम किसी जीव का, एक जीव का तो एक परिणाम है, एक जीव का एक समय में एक ही परिणाम है, परंतु किसी का थोड़ा कम है, कम विशुद्ध है, किसी का अधिक विशुद्ध है, परंतु दूसरे समय का जो कम से कम विशुद्ध परिणाम है जिसका, वो पहले समय के उत्कृष्ट से भी वो अनंत गुना ज्यादा है। यानी हर समय की अपनी अपनी रेंज अलग अलग है, परंतु कोई भी पहले की दूसरे के यानी दूसरे समय के साथ समानता नहीं है, इसी कारण इन परिणामों को अपूर्व करण परिणाम कहते हैं। यहाँ क्या बातें विशेष होती है, और चार बातें और एडिशनल होने लगती है, वो क्या क्या होती है हमने देखा था। एक तो गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, है ना? ये चार बातें यहाँ नई शुरू हो जाती है। उसका क्या, यानी जहाँ जहाँ अपूर्वकरण परिणाम होते हैं वहाँ वहाँ यही बातें होती रहती है।
ये गुणश्रेणी होना यानी क्या, गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप जो रचना होती है, अभी तक तो हमने देखा ये तो मिथ्या दृष्टि है। प्रायोग्य लब्धि में भी कुछ बातें हुई थी, अधकरण में भी कुछ हुई थी, परंतु गुणश्रेणी रूप रचना नहीं हुई थी। निषेक रचना यानी वो स्थिति भले घटी थी परंतु फिर भी यानी नया स्थितिबंध कम हुआ था, परंतु निषेक की रचना अभी तक कैसी थी, सत्ता वाला नीचे का निषेक बड़ा है और ऊपर घटते क्रम से इसे हमने निषेक रचना देखी थी। अब इससे आगे क्या विशेषता होती है कि ये जो अपकर्षण होता रहता है यहाँ पर, स्थिति कांडक घात यहाँ शुरू हुआ है, अपकर्षण तो पहले भी होता था परंतु वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, जैसे रेगुलर आता है मिथ्या दर्शन अवस्था में वैसे यहाँ पर भी आता था। अभी भी ये जो मिथ्या दृष्टि है परंतु अभी विशेष विशुद्धि हुई है, उसकी निर्मलता और बढ़ रही है, तो उसके जो अपकर्षण होने वाला द्रव्य भी ज़्यादा आता है और यहाँ स्थिति कांडक घात शुरू हो जाता है। स्थिति कांडक घात हमने देखा था ऊपर के, यानी अभी स्थिति कितनी बाकी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बाकी है, तो सबसे ऊपर के जो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, यानी वो भी बहुत बड़ा असंख्यात होता है, इतने निषेकों को कांडक रूप से ग्रहण हुआ। कांडक रूप से ग्रहण हुआ इसका अर्थ क्या है, उसमें से कितने यानी सभी कांड निषेकों के कुछ परमाणु पहले समय में नीचे आकर स्थिति घटकर नीचे के निषेकों में मिलते हैं, उसको हम कहेंगे एक फाली। एक फाली यानी उस फाली का पतन हुआ, ऐसा कथन करने में आएगा। जैसे हम छीलते हैं ना वो गन्ना, क्या करेंगे हम उसका ऐसा छील के वो निकालेंगे, फिर और थोड़ा छीलेंगे, इस तरह से ये सारे परमाणु नीचे आ गए, फिर वो दूसरी फाली नीचे आ गई, फिर तीसरी फाली नीचे आ गई, अंतर्मूर्त में ये पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण निषेक पूर्ण रूप से नष्ट होकर वो सारे ही परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। यहाँ तक की बात ख्याल में, ये जब स्थिति कांडक घात हुआ हो रहा था उसी समय वहाँ अपकर्षण भी चल ही रहा था, तो ये अपकर्षण होने वाले सभी निषेकों में से द्रव्य निकलकर एक भाग निकाला जाता है और फिर वो सर्वत्र दिया जाता है। कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो नीचे उदयावली में दिया जाता है, बीच में गुणश्रेणी अभी यहाँ नहीं बनेगी, ये गुणश्रेणी की रचना होना ये यहाँ से शुरू हो जाता है और बाकी जो बचा है वो ऊपरवर्ती। तो कहाँ कितना दिया जाता है उसके लिए कल हमने पुस्तक के आधार से भी देखा था कि जो अपकर्षण की बात मैं पहले कह रही हूँ, अपकर्षण कितने द्रव्य का किया जाता है, सत्ता में जितना सारा जो सभी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक बाकी है, उन जो टोटल परमाणु सत्ता में है उसको कहेंगे सर्वद्रव्य। उस सर्वद्रव्य को या अपकर्षण भागहार नाम की जो संख्या है उस संख्या से भाग देंगे तो जो एक भाग प्रमाण जो संख्या आएगी उतने द्रव्य का अपकर्षण किया जाएगा, उसको हम कहेंगे अपकृष्ट द्रव्य। कहाँ से निकला, सभी निषेकों में से। अब इसका फिर उसी में दिया जाएगा सभी निषेकों में, तो ये जो एक भाग प्रमाण द्रव्य सभी निषेकों में से निकला है उसको हम अपकृष्ट द्रव्य कहेंगे। अब वो कहाँ कितना देना, तो उसको ये प यानि पल्य और ये इसी जो साइन बनाई है उसका अर्थ होता है असंख्यात की, ये साइन है, ये सिंबल बनाए और ये हमने नहीं बनाया, ना ही टोरमल जी ने बनाया, आचार्यों ने ऐसे ये सिंबल्स बनाए, इसको कहेंगे संदृष्टि। इन संदृष्टियों के द्वारा बड़े बड़े असंख्यातों के अनंताओं के सभी गणित समझाए जाते हैं, इसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। तो यह है पल्य, हमें लगता है ये शॉर्ट हैंड वगैरह हमने अभी निकाला, ऐसा नहीं तभी कहा ये, हाँ। और यह है असंख्यात। अपकृष्ट द्रव्य को पल्ले के असंख्यात पे भाग नाम की जो संख्या है उस संख्या से भाग देंगे तो जितनी संख्या आएगी, अभी हम पहले मान लेते हैं एक भाग और बहुभाग क्या होता है। जैसे हजार संख्या को हमने 10 से भाग दिया तो एक भाग की वैल्यू कितनी आई, प्रमाण 100, और बचे कितने, 900। तो एक भाग यानी 100 और बाकी बचे 900, वो कहेंगे हम बहुभाग। ऐसा ही किसी भी संख्या को भाग देते हैं, अभी इस अपकृष्ट द्रव्य जितना हमने अपकर्षित द्रव्य देखा उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग जो नाम की जो संख्या है उस संख्या से भाग देने पर
एक भाग और बहुभाग, ऐसे दो डिवीजन हो गए उसमें। अब ये जो बहुभाग है वो कहाँ दिया जाता है, तो गुण श्रेणी के ऊपर जितने निषेक है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, उन सभी निषेकों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। किस पद्धति से, तो पहले नीचे के निषेक में अधिक, ऊपर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इस तरह से। अब सबसे ऊपर जो है वो अति स्थापना वाली है, उसमें नहीं दिया जाएगा। उसमें से तो द्रव्य नीचे आता है परंतु उसमें दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपकर्षण होने वाला द्रव्य है, ऊपर नहीं जाएगा। उसमें से तो नीचे आएगा, तो ऊपर की एक आवली छोड़कर सभी निषेकों में ये फिर वो चय घटते क्रम उसको कहेंगे, थोड़ा थोड़ा हीन 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 क्रम से ऊपर तक के निषेकों में दिया जाएगा। ये कौन सा, ये बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया। ये जो एक भाग रह गया है, ये एक भाग कहाँ कहाँ दिया जाएगा, तो गुणश्रेणी और उदयावली में मिलकर दिया जाएगा, दोनों में। परंतु दोनों में किस प्रपोर्शन में देना है, तो जो एक भाग निकला है कहाँ से निकला, ये जो अपकृष्ट द्रव्य को पल्ले के असंख्यातवें भाग से भाग देकर बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया, और जो एक भाग है उसको फिर असंख्यात लोक का भाग देंगे। अब ये असंख्यात लोक का भाग देने पर एक भाग है वो उदयावली में देना है, और बहुभाग है वो गुणश्रेणी में देना है। असंख्यात लोक यहाँ का भागहार असंख्यात लोक है। अब ये जो भागहार है ना, ये बहुत बड़ा भागहार है, इसलिए बहुत थोड़ा द्रव्य यहाँ गया और अधिक मैक्सिमम यहाँ गया। आगे चलकर जब कहीं क्षपणा आदि में आगे हम देखेंगे और श्रेणी में देखेंगे, ये भागहार पल्ले का असंख्यातवा भाग हो जाता है, तो उदीर्ण यानी उदयावली में असंख्यात समय प्रबद्ध दिए जाते, ये आगे का विषय है। परंतु इस भागहार के जो कुछ महत्व है उसको मैं बता रही हूँ। यहाँ ये भागहार बहुत बड़ा है, थोड़ा द्रव्य यहाँ जाएगा, अधिक यहाँ चला जाएगा। आगे चलकर जहाँ जिस प्रोसेस में यहाँ भागहार पल्ले का असंख्यातवा भाग बहुत छोटा हो जाता है, वहाँ बहुत अधिक द्रव्य उदयावली में यानी उदीर्णा होकर खिर जाएगा, जिसको हम कहेंगे असंख्यात समय प्रबद्ध तो उदयावली में दिए जाते हैं। ये जो द्रव्य खिरना या नष्ट होना या क्षय होने का यही प्रोसेस है सर्वत्र, यहाँ भी कहो या ऊपर श्रेणी में भी कहो, जहाँ कहीं भी होता है। अलग अलग भागहारों की संख्या बदलने से ये अपकर्षण होने वाला द्रव्य बढ़ जाता है, वो असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होकर उसके खिर जाते, निर्जरा हो जाते। यानी ये निर्जरा पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं, कितने ही प्रकृतियाँ बंधने से रुकी है उसको हम संवर कहेंगे, और पूर्व में बंधी हुई सभी प्रकृतियाँ इसी तरह से अभी कर्मों के परमाणु अधिक मात्रा में खिर जाएंगे, इसको हम वो कर्मों की निर्जरा कहेंगे। और कहाँ कितने कर्मों की और कौन से प्रकृति की होती, ये अपना यहाँ विषय चल रहा है। अभी तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अपनी बात हो रही है। अब ये जो गुणश्रेणी में जो दिया जाएगा, तो इस बहुभाग गुणश्रेणी में कहा, तो ये गुणश्रेणी कितनी बड़ी होती है, तो ये बड़ी कितनी है उसको हम देखेंगे। ये गुणश्रेणी अभी जो बनी है, यहाँ मैंने ये काल बताया है, ये जो ब्लैक लाइन है अपूर्वकरण का काल है, अनिवृत्तिकरण का काल है, और ऊपर और थोड़ा काल है। ये पूरी मैंने गुणश्रेणी ही यहाँ दिखाई आपको, यानी यहाँ अभी मैंने उपरीतन स्थिति या उदयावली कुछ नहीं लिखा है। गुणश्रेणी कितनी लंबी होती है, तो कहते हैं अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और ऊपर थोड़ा काल, ये है ये गुणश्रेणी। अब जब साधिक जिसको कहेंगे अनिवृत्तिकरण के संख्यात्वे भाग प्रमाण ऊपर का ले लिया, अभी तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तब जाके इसको क्या कहा है, गलितावशेष गुणश्रेणी। गलितावशेष का अर्थ क्या है, कि नीचे से एक एक निषेक गल जाएगा, उदय में आकर खिर जाएगा, और ये गुणश्रेणी ऐसे यानी हर समय ऊपर से और द्रव्य आएगा, ये और बड़े बड़े हो गए निषेक। एट ए टाइम तो बहुत सारी बातें हो रही है, परंतु गलितावशेष यानी एक एक निषेक खिरता चला जाएगा। यहाँ हमने यह टाइम लिखा है, अपूर्वकरण काल बीतता जाएगा, वैसे वैसे गुणश्रेणी छोटी छोटी होती चली जाएगी। अपूर्वकरण हो गया, अभी अनिवृत्तिकरण हो गया, तो गुणश्रेणी इतनी ही रही। अनिवृत्तिकरण का और भाग बीत गया, तो गुणश्रेणी इतनी ही रही। तब जाके बाद में जो आगे चलकर जो कार्य होने वाला है उसमें अंतर होगा, उपशम होगा, वो बात हम उस पर समझाएंगे। यानी अपूर्वकरण के शुरू में ही अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अधिक थोड़ा,
इतनी लंबी गुणश्रेणी तैयार हुई है। और ऐसी गुणश्रेणी कौन से कर्म में होती है? तो आयु को छोड़कर सभी कर्मों में होती है। ये गुणश्रेणी होने से क्या होगा, जब वो गलने लगेगी तो अधिक मात्रा में द्रव्य खिरने लगेगा, इसको कहेंगे गुणश्रेणी निर्जरा, यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ तक की कुछ बातें ख्याल में आई, गुणश्रेणी क्या होती है? अभी हमने जो देखा है ये गुणश्रेणी अपूर्वकरण परिणामों के कारण यहाँ शुरू हो जाती है, और उसका दीर्घत्व यानी उसका आयाम कितना है, अपूर्वकरण का काल प्लस अनिवृत्तिकरण का काल प्लस और उसका थोड़ा अधिक, ये सब मिलकर यहाँ गुणश्रेणी होती है। ये जो थोड़ा अधिक लिया है ना, उसको ही बाद में गुणश्रेणी शीर्ष कहेंगे हम, गुणश्रेणी शीर्ष, शीर्ष यानी उसका टॉप। हाँ, अब यहाँ जो है हमने कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है उसकी बात देखी है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसी में अंत वही आने वाला है, तो उसका नाश होके उसको वह अंतर बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा अधिक कहा। उस थोड़े अधिक का क्या होता है वो तो हमने कहाँ बताया आपको, हाँ अभी बना है उतनी बात शुरू होगी। ख्याल में आई बात, अभी तो कितना बना है, गुणश्रेणी कितनी बनी है उतनी इतनी ही चर्चा अपनी हो गई। अभी ये अपूर्वकरण में ये गुणश्रेणी भी होती रहेगी, ये जो स्थिति कांडक अनुभाग कांडक वो भी होते रहेंगे यहाँ, उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे। एक शब्द ऐसा भी आता है जहाँ स्थिति कांडक घात होता है ना, यानी उन निषेकों का घात होता है, तो उसको कहेंगे व्याघात, व्याघात विशेष घात होता है। और जब अपकर्षण होता है तो निषेक तो अपने स्थान पर बने रहते हैं, कुछ परमाणु नीचे आते हैं, तो उसको कहेंगे अव्याघात। ये अलग अलग शब्दों का अर्थ समझना है, नहीं तो ये नया कहाँ से क्या शब्द आया ऐसा होता है तो फिर गड़बड़ी हो जाती है अपनी। अब हम यहाँ देखेंगे गुणश्रेणी का विधान कहते हैं पेज नंबर 74। ये तो हमने पढ़ा था, 75 पर हमें पढ़ना है, वो भी वैसे पढ़ा था परंतु क्या है शाम को क्या पढ़ा था पता नहीं है, हाँ इसलिए। और हमारे घर में भी ऐसा होता है, पहले दिन जितना पढ़ा है ना दूसरे दिन तो डेढ़ घंटे का हमारा सेशन होता है, कभी कभी तो पौना या एक घंटा तो पहले रिवीजन में जाता है और फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे दिन और डिफ़िकल्ट बात आती है तो पहली आसान लगने लगती है। ये 75 पेज पर 69 नंबर की गाथा की टीका, यहाँ ऐसा जानना कि अपकर्षण भागहार का भाग देकर वहाँ एक भाग को पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देकर वहाँ बहुभाग उपरीतन स्थिति में निक्षेपण करता है, जो अभी हमने बोर्ड पर लिखा है, अपकर्षण भागहार का भाग देकर उस एक भाग को पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग देकर बहुभाग उपरीतन स्थिति में निक्षेपण करता है, यही वाक्य पढ़ा ना हमने। अब आगे, कर्म के सत्तारूप स्थिति के निषेकों में से वर्तमान समय से लेकर आवली काल में उदय आने योग्य निषेकों में जो द्रव्य दिया उसको उदयावली में दिया कहते हैं, और उसके ऊपर गुणश्रेणी आयाम प्रमाण निषेकों में जो द्रव्य मिलाया उसे गुणश्रेणी में दिया कहते हैं। ये हमने उदयावली में दिया और ये गुणश्रेणी में दिया। उसके ऊपर अंत के अतिस्थापना वाली मात्र निषेक छोड़कर सर्व निषेकों में जो द्रव्य दिया वह उपरीतन स्थिति में दिया कहता थे, ये उपरीतन स्थिति में, यानी जितना द्रव्य अपकर्षण हुआ उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग देकर एक भाग गुणश्रेणी और उदयावली में मिलकर दिया और बहुभाग उपरीतन स्थिति में दिया, जो ये मिलकर दिया उसको भी एक भाग बहुभाग के रूप में दिया है। और यही बात उन्होंने मिथ्यात्व के उदाहरण के द्वारा बताई है, पहले यहाँ मिथ्यात्व का द्रव्य कितना होता है ये समझाने के लिए उन्होंने बताया कि सत्ता में जितना सभी आठों कर्मों का मिलकर जितना सत्ता में द्रव्य पाया जाता है उसमें से आयु कर्म का तो थोड़ा है, क्योंकि अन्य कर्म तो हर समय बन रहे हैं और आयु तो
कभी बनती है और बंदी हो तो अंतर्मूर्त प्रमाण बनती है, और वर्तमान की जो शेष आयु है अगर अबद्धायु है तो वर्तमान आयु के निषेक उसके जो परमाणु जो कुछ यथा योग्य है उसको अगर हम गौण करेंगे तो बाकी जो सात कर्मों का द्रव्य पड़ा है, मेजॉरिटी तो सात कर्मों का है, तो इसको अगर हम सात में डिवाइड करेंगे, पूरे जो सभी कर्मों का जो ग्रुप है इतने परमाणु है उसको हम सात का भाग देंगे तो एक मोहनीय का द्रव्य मिलेगा। ये तो आसान है ना, ये एग्जैक्ट सातवां भाग नहीं हो तो, परंतु स्थूल रूप से हम कहेंगे कि सातवां भाग मोहनीय का द्रव्य है। देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ मिथ्यात्व के उदाहरण द्वारा विधान कहते हैं सर्व कर्म का, यानी सभी पूरे आठों कर्मों का मिलकर द्रसत्व रूप द्रव्य कितना पाया जाता है, किंचित कम डेढ़ गुना हानि गुणित समय प्रबंध। अभी ये डेढ़ गुना हानि क्या है वो भूल जाओ, यानी इतना ये टोटल द्रव्य है इतना समझ लेना भी, उसमें से आयु कर्म का द्रव्य घटाने के लिए किंचित कम करना, क्योंकि वो दूसरे द्रव्यों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए किंचित कम किए तो थोड़ा कम टोटल द्रव्य। अवशेष को सात मूल प्रकृतियों के विभाग के लिए, ज्ञानावन दर्शन आदि सब में वो सात में डिवाइडेड है तो सात का भाग देने पर मोहनीय का द्रव्य होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, ये मोहनीय का द्रव्य बताए। उसको देशघाती और सर्वघाती का विभाग करने के लिए, क्योंकि मोहनीय का जो द्रव्य है टोटल परमाणु है उसमें तो हमने देखा दर्शन मोहनीय है, चारित्र मोहनीय है, उसमें तो प्रकृतियाँ देशघाती सर्वघाती, हमें प्रकृतियों की बात ही नहीं करेंगे, हम परमाणु की बात करेंगे। जो सर्वघाती स्पर्धकों के परमाणु उसको हम सर्वघाती परमाणु ही कहेंगे, और देशघाती स्पर्धकों के परमाणु उसको हम देशघाती परमाणु कहेंगे। अभी इनका परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो सर्वघाती में और देशघाती में, तो जो टोटल मोहनीय का द्रव्य है उसमें सर्वघाती का द्रव्य तो अनंतवे भाग प्रमाण है, मोहनीय का द्रव्य डिवाइडेड बाय अनंत इज इक्वल टू एक भाग, वो सर्वघाती का द्रव्य है, और बहुभाग देशघाती का द्रव्य, यानी वो परमाणु थोड़े होने पर भी अधिक घात करते हैं, सर्वघाती है। अब ये जो सर्वघाती है वो किस में चले जाएंगे, देखो ये जो सर्वघाती का द्रव्य है यहाँ लिखो, उसको देशघाती सर्वघाती का विभाग करने के लिए अनंत का भाग देकर एक भाग मात्र सर्वघाती प्रकृतियों का द्रव्य होता है। अब ये सर्वघाती किस में चली जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कहते हैं उसको सोलह कषाय और मिथ्यात्व के विभाग करने के लिए, यानी ये जो सर्वघाती द्रव्य है परमाणु है वो मिथ्यात्व और सोलह कषाय, अनंतानुबंधी के चार, प्रत्याख्यान के चार, वो सभी ये सोलह बंधने वाले तो सोलह है। उदय में हमने देखा चार क्रोध का उदय होगा, या चार मान का, या चार माया का, या चार लोभ का। देखो ऐसा ही है, जीव कोई भी एक परिणाम करता हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, या लोभ हो, बंधते तो चारों ही है। यहाँ अनंतानुबंधी आदि चार प्रकार के क्रोध कर रहा है परंतु बंध रहे हैं सोलह, सभी बंध रहे, तो कौन सा करना अच्छा क्रोध कोई भी करो, क्रोध कम करके माया ज्यादा करो फिर भी बंधेंगे तो सभी। तो ये सत्रह में डिवाइड होगा, ये जो सर्वघाती द्रव्य अनंतवे भाग प्रमाण है उसको सत्रह का भाग देंगे तो मिथ्यात्व का द्रव्य मिलेगा, मिथ्यात्व प्रकृति के इतने परमाणु हैं। इसको पहले पीठ बंध में, यानी जो लब्धिसार भूमिका में हमने देखा था, उक्त प्रमाण वाले अपकर्षण भागहार नामक भागहार का भाग देकर, देखो ये मिथ्यात्व का सर्व द्रव्य, उसको अपकर्षण नामक भागहार से भाग देकर एक भाग बिना, ये एक भाग बिना, एक भाग है ना अपकृष्ट, अवशेष बहुभाग, तो ये तो अपकृष्ट द्रव्य है, बाकी क्या होगा अपने अपने निषेकों में पड़ा है, अपकृष्ट द्रव्य एक भाग प्रमाण है, बाकी तो निषेक रचना जो है वैसी ही रहेगी, पूर्व में सत्ता में जैसे अपने निषेक रचना रूप थे वैसे ही रहते हैं, ये तो ख्याल में आई बात, तथा जो एक भाग रहा अपकर्षण भागहार से भाग देने पर, जो एक भाग रहा, बहुभाग तो निषेक रूप रचना जैसी थी वैसी रही, और जो एक भाग है उसको
पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देकर बहुभाग का उपरीतन स्थिति में निक्षेपण करता है। जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो उसका अर्थ मिलता है, अपने भाषित होता है कि नहीं, इतना ही देखना है। अभी यहाँ अभी आगे बढ़ेंगे, 70 गाथा की टीका 76 पृष्ठ पर आते हैं। अवशेष एक भाग रहा, हमने देखा ना बहुभाग उपरीतन में दिया, अवशेष एक भाग रहा, उसको असंख्यात लोक का भाग देकर वहाँ बहुभाग कहाँ दिया, गुण श्रेणी आयाम में, और अवशेष एक भाग उदयावली में दे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये अपकर्षण द्रव्य कहाँ दिया जाता है उसकी बात चल रही। हाँ, असंख्यात लोक का मतलब ऐसा है, एक लोक में कितने प्रदेश है, तो कहते असंख्यात प्रदेश है। ऐसे जैसे हमने क्या, एक कटोरी में कितने चावल है, मान लेते ना 1000 चावल है, और हमने ऐसी 1000 कटोरी ली, असंख्यात बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे असंख्यात को जघन्य परिता संख्यात कहते हैं। हमने जो आवली का प्रमाण देखा था तो जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात बार आपस में गुणा करना, अपनी भाषा में जघन्य परिता संख्यात रेस टू जघन्य परिता संख्या, जघन्य युक्ता संख्यात जो आवली का प्रमाण है वो भी इतना बड़ा असंख्यात लगता है हमें, तो वो तो इसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि एक सेकंड में तो ऐसी संख्यात कोड़ा कोड़ी आवली होती है। ये तो आवली हुई। अभी पल्ले नाम का जो हमने आपको एक बार बताया था, वो गड्ढा करना, रोमखंडों से भरना, वो भी पल्ले है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का सागर होता है, वो भी सागर का प्रमाण तो बहुत, वो भी असंख्यात का एक कोई प्रमाण है। हम जो कल्पकाल कहते हैं, 6 कालों का जो चढ़ना उतरना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, तो उसमें कितने समय हो गए उसको भी असंख्यात कहते हैं। अब जो पल्ले है वैसा एक अंगुल नाम का प्रमाण है, अंगुल यानी जो उंगली की चौड़ाई है उसको अंगुल कहेंगे। अंगुल का भी असंख्यात वहाँ भाग करो, उसमें कितने प्रदेश है, अंगुल तो असंख्यात है ही है, उसका असंख्यात वहाँ भाग करो और उन प्रदेशों को हम समयों में कन्वर्ट करो। सुनना जरा इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है। पल अंगुल के, क्योंकि जितना पल्ले है ना, पल्ले को पल्ले से गुणा करो, उससे गुणा करो, उससे गुणा, यानी वो वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का कर वर्ग असंख्यात बार करेंगे तो अंगुल का प्रमाण आता है, अंगुल में प्रदेशों का प्रमाण आता है। अब उस प्रदेशों की संख्या को असंख्यातवा भाग करो और उसको एक प्रदेश के बदले एक समय गिनो, क्योंकि काल में बताना आपको आसान होगा, तो कितने कितना काल चला जाता है, तो अंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण प्रदेशों का प्रमाण आता है। तो कहते असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाए, तो जितने समय बीत जाएंगे उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यात पे भाग में होते हैं। हमें तो पता ही नहीं ना ये प्रदेशों की सूक्ष्मता कितनी और समय की सूक्ष्मता कितनी है। अब ये तो अंगुल तो हमें दिखाई देता है, तो ये अंगुल से अभी पूरे हॉल में कितने होंगे प्रदेश, तो पूरे लोकाकाश में कितने होंगे, फिर भी वो असंख्यात है, अनंत नहीं हुए हैं। ऐसे असंख्यात लोक हो जाए तो भी वो संख्या असंख्यात की है, क्योंकि हमें संख्याओं का बिल्कुल भाव भाषण है ही नहीं है, क्योंकि अनंत क्या चीज़ है हमें पता नहीं है। अभी ये जो हम सारी संख्या देखे वो असंख्यातों की बात चल रही है। ये संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, अनंत क्या है, थोड़ा उसका एहसास हो जाए तो हम जो बातें बढ़ती और उसका मर्म ख्याल में आता है, उसकी विशालता ख्याल में आती है। ये तो असंख्यात लोक का अर्थ होता है, एक लोक में जितने प्रदेश है उनकी जो संख्या है उसको एक बार दो बार नहीं, उसको असंख्यात से गुणा करो, उसको कहेंगे असंख्यात लोक। ख्याल में आई बात? तो इतनी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण हम विद्यावली में देंगे और बाकी बहुभाग गुणश्रेणी में देंगे। क्योंकि ये सारा गणित क्लिष्ट तो ज़रूर रखता है, परंतु उसका अगर सही रूप में कुछ थोड़ा भी भाव भाषण हो जाए ना, तो ये बात बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आती है। देखो ये जीवकांड में असंख्यात की बात समझाई है और उसकी एक सीढ़ी भी बनाई हमने, केवल संख्या मान के,
ये संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, असंख्यात के प्रकार कितने हैं, अनंत उनके क्या क्या भेद होते हैं, उनके नाम, उनके कुछ हमारे घर में स्वाध्याय चलता है। 8 दिन तक तो केवल संख्या मानों की बात समझाई थी, उसकी हमने सीढ़ी बना के रखी है। क्योंकि अरे लिखा है, लिखने गोचर है, पढ़ने गोचर है, बुद्धि गोचर ही तो बात चल रही है। अब बुद्धि गोचर कैसे होती है? अरे किसी के बुद्धि में आए तभी तो इतनी बातें बताइए। क्या होता है, पढ़ते पढ़ते नींद लगती है तो अब बुद्धि गोचर में चली जाती है। ऐसे नहीं, देखो देखो अभी हम आगे। तो ये जो उदयावली में जो दिया, अभी कहाँ कितना दिया उसके हिसाब में नहीं जाएंगे, उसका भी एक एक का गणित है, कितना द्रव्य दिया, पहले निषेक में कितना दिया जाएगा और उसका प्रमाण कैसे निकालना। देखो आचार्यों की गजब की कैसी बुद्धि और कैसे कैसे मार्ग उन्होंने ये सारा लिख के लिया रखा है और एक एक को गणित करके समझाया है। पहले निषेक में कितना दिया, दूसरे में कितना दिया, तीसरे में उसका कितना दिया, उसकी वैल्यू कितनी निकालना, थोड़ा कम दिया वो थोड़े कम किए ने, वो चय की वैल्यू कैसे निकालना, ये सभी गणित है। हम आपको उसमें नहीं उलझाना चाहते हाँ, क्योंकि आगे बढ़ना है ना अपने को। फिर भी हमने वो बिना में इन लोगों को, स्वाध्याय लोगों को सिखाया था, वहाँ कुछ लिया था सारा जीवकांड के कुछ गणित लिए थे वहाँ। देखो कोई जिज्ञासु है तो हमें आनंद होता है कि हाँ चलो हमें जितना मालूम है आप भी समझ लो इसको और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी ये जो यंग जनरेशन है बहुत, आप लोग तो बुद्धिमान हो, हम तो अभी बूढ़े हो गए तो ये उदयावली में क्रमहीन रूप से दिया जाता है। गुण श्रेणी में इतना ही समझना, पहले निषेक से दूसरे निषेक में असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना। अभी तो हमने ये जगह नहीं तो केवल थोड़ा अधिक बताया, परंतु इसका अर्थ यहाँ ऑलरेडी पूर्व में निषेक थे ऐसे थे और उसमें जो एडिशनल जो दिया गया है वो असंख्यात गुना असंख्यात गुना, तो फाइनल ऐसी उसकी हाँ रचना दिखाई देगी। देखो ये जो है ना, पहले में सत्ता में निषेक होते हैं, फिर जो एडिशनल दिया जाता है द्रव्य उसको कहते हैं दिया द्रव्य, और फाइनल रिजल्ट जो दिखेगा उसको कहेंगे दृश्यमान द्रव्य। यानी हर समय इसमें और ज़्यादा द्रव्य आकर मिलेगा और फिर उसके निषेक और बड़े बड़े होते जाएंगे, परंतु वो दिखाना कैसे, थोड़ा हम इमेजिन कर सके इसलिए यहाँ ऐसी रचना दिखाई जाती है। और ऐसी संदृष्टियाँ तो ओरिजिनल ग्रंथों में भी बनी है। अब उसका कैसा निकालना है ये वहाँ उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। अभी हम गुण संक्रमण क्या होता है उसको देखेंगे। ये पृष्ठ संख्या 78। देखो जरा गाथा पढ़ के बढ़ेंगे हम आगे हाँ। गुण संक्रमण का स्वरूप कहते हैं 78 पृष्ठ 75 नंबर की गाथा। पड़ी समयम असंख गुणम दौवं संकमदि अपसत्थानं बंधुज्यपयडीनं बंधन्त सजादि पयडीसु। नहीं हम प्राकृति पढ़ेंगे। अच्छा संस्कृत में से मैं आपको अर्थ बताऊंगी। देखो प्रति समयम यानी प्रति समय, असंख्य गुणम द्रव्यम असंख्यात गुणा द्रव्य, यानी पहले समय में जितना संक्रमित हुआ दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, संक्रामति संक्रमण होते हैं किसका, अप्रशस्तानाम अप्रशस्त प्रकृतियों का। कौन से अप्रशस्त, सभी अप्रशस्त नहीं, बंधोचित प्रकृति नाम जिनका बंध नहीं है, ऐसे अप्रशस्त प्रकृतियाँ किसमें संक्रमण होगी, बध्यमान सजाति प्रकृतिषु बंधने वाली सजातीय प्रकृतियों में संक्रमित होती है। फिर से नहीं बंधने वाली अप्रशस्त प्रकृतियाँ बंधने वाली सजातीय शब्द डाला है, ज्ञानावरण की वो अन्य किसी रूप नहीं हो जाएगी तो बंधने वाली सजातीय प्रकृतियों में संक्रमित होती है। और वो कैसी संक्रमित होती है, प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से संक्रमित होती है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। अब ऐसा गुण संक्रमण यहाँ के यानी कहाँ के, प्रथमोपशम सम्यक तो होने के पूर्व जो यहाँ अपूर्वकरण शुरू हुआ है, यहाँ
किसी भी प्रकृति का गुण संक्रमण नहीं हो रहा। तो यहाँ लिखा क्यों? क्योंकि अन्यत्र जहाँ कहीं भी गुण अपूर्वकरण परिणाम होते हैं वहाँ गुण संक्रमण पाया जाता है। कौन से प्रकृति में? विशिष्ट उस वहाँ की जो प्रकृति है वो वहाँ बताएंगे कि कौन से प्रकृतियों का कहाँ गुण संक्रमण होता है। ख्याल में आई बात? इसको गुण संक्रमण किसको कहना उसकी परिभाषा बताइए। देखो टीका में पढ़ेंगे, गुण संक्रमण अपूर्वकरण के पहले समय में नहीं होता, ये यहाँ की बात चल रही है। अपने योग्य काल में होता है तथापि उसका स्वरूप यहाँ कहते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन यहाँ बताएंगे। जिनका बंधन नहीं पाया जाता ऐसी अप्रशस्त प्रकृतियों का द्रव्य यानी कुछ परमाणु, पूरा द्रव्य नहीं, प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम सहित जिनका बंध पाया जाता है ऐसी स्वजाति प्रकृतियों में संक्रमण करता है, अपने स्वरूप को छोड़कर तद्रूप परिणमता है, ये नोते ट्रांसफार्मर हो जाती है ना उसमें, तो नहीं बंधने वाली बंधने वाले में संक्रमित होती है। ख्याल में आई बात? देखो अभी श्रेणी की बात करें, श्रेणी में जैसे असाता वेदनीय कर्म का बंध छठे गुण स्थान तक है। जब श्रेणी में अपूर्वकरण परिणाम शुरू होते हैं तो नहीं बंधने वाले असाता वेदनीय साता रूप परिणमित हो गए संक्रमण रूप से, दूसरे सत्ता में पड़े वही तो, सत्ता में पड़े वही तो, क्योंकि अप्रशस्त कर्म अभी रखे क्या होगा। जैसे श्रेणी में कौन से वेद का बंध है, वहाँ पुरुष वेद का बंध है, और वहाँ स्त्री वेद और नपुंसक वेद के परमाणु अभी क्षय कैसा होगा उसका, तो संक्रमण होकर क्षय होगा। तो इतनी सारी सत्ता पड़ी है ना, तो कितना काल लगेगा संक्रमण होने के लिए? तो कहते गुणित प्रमाण में हो जाएगा, अंतर्मूर्त में सारे नष्ट हो जाएंगे, ये उसका प्रोसेस है सर्वत्र, इसको कहेंगे गुण संक्रमण। कौन से प्रकृतियों का गुण संक्रमण कहाँ पर होगा वो जब जब उसका प्रोसेस आएगा, विधान आएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजन हमने देखा था पहले, यानी क्या होता है, जो सम्यक दृष्टि है ऑलरेडी उसकी जब विशुद्धि बढ़ती है और उसके तीन करण परिणाम होते हैं तो उसमें से जब अपूर्व करण शुरू होता है तो अनंतानुबंधी के परमाणु नहीं बंधने वाले, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, बंधने वाले सजातीय कौन है, चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और यथायज्ञ जो नौकशाएँ बंध रही है, उन प्रकृतियों में गुणित प्रमाण में संक्रमित होते रहते हैं और एक अंतर्मूर्त में पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण उसके विसंयोजना के काल के अपूर्वकरण से शुरू हो जाता है, वो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में चलता रहेगा, यह है गुण संक्रमण का स्वरूप। अनंतानुबंधी के परमाणु जो है वो जो तो प्रत्याख्यान रूप हो रहे हैं, तो क्या वे प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप भी होंगे? हाँ हाँ, तीनों रूप, क्योंकि तीनों का बंध चल रहा है, इतना ही नहीं नौ कषाय का भी यथायोग्य बंध चल रहा है वहाँ, क्योंकि करण परिणाम है, अरतिशोक तो नहीं बंधेंगे वहाँ, तो हास्य रति बंध रहे, पुरुष वेद बंध रहा है, तो उन रूप अन्य सभी रूप हो जाते हैं बंधने वाले में संक्रमित। हमने देखा था संक्रमण के लिए बंध की कंडीशन है और दूसरी कंडीशन स्वजाति होने चाहिए। हाँ, ये मोनिय के परमाणु, ये जो अनंतानुबंधी के परमाणु ज्ञानावरण रूप हो जाए ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, वो तो कल हमने देखा था, यहाँ तो प्रथम ऑप्शन में तो गुण संक्रमण इस पोजीशन पर नहीं है, अन्यत्र अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होता है तो कौन सी प्रकृतियों में होता है ये बताने के लिए अनंतानुबंधी का नाम लिया। अभी यहाँ पर अनंतानुबंधी में बाकी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे सभी कर्मों में गुण श्रेणी आदि रचना हुई है बस उतना ही हुआ, ज्ञानावरण में भी गुण श्रेणी हुई है, सभी में अपकर्षण चल रहा है, सभी में स्थिति कांडक घात चल रहे है, इतनी बात सभी कर्मों में हो रही है। हाँ, इनका सत्ता और अनुभव कैसा होता है संक्रमण के बाद? किनका संक्रमण हो गया है? संक्रमण जिनका हो चुका है वो जिस अनुभाग रूप से वहाँ उनका बंध पाया जाता है उस अनुभाग रूप से संक्रमण होता है, क्योंकि केवल संक्रमण यानी प्रदेशों का ही संक्रमण नहीं हुआ है, प्रकृति का ही नहीं हुआ, अनुभाग का भी संक्रमण होता है, स्थिति का भी संक्रमण होता है। हमने तो बहुत अल्प बात उठाई, यहाँ केवल प्रकृति के संक्रमण की बात की,
प्रदेश संक्रमण वो प्रदेश है वो उस रूप हो जाते हैं, पहले अनंतानुबंधी का कहलाते हैं, अभी अप्रत्याख्यान आदि के कहलाएंगे। उसका अनुभाग कैसे होगा, जिस मात्रा में बंद हो रहा है, अभी द्विस्थानीय रूप से बंद हो रहा है, तो उस वो यहाँ के सत्ता वाले उसके द्विस्थानीय रूप वैसे हो जाएंगे, अनुभाग भी वैसा हो जाएगा जिस प्रमाण में बंद हो रहा है। और स्थिति की बात है, कहाँ तक वो चढ़ जाएंगे, तो जैसी स्थिति है और जैसी की स्थिति शक्ति स्थिति है वहाँ तक वो संक्रमित होकर जो सत्ता में उनके जो परमाणु है और नए बन रहे हैं निषेक, उनमें उनका संक्रमण हो जाएगा। अभी उसमें तो बहुत सूक्ष्मता भी है, बहुत सारी जितना पढ़े उतना कम है। एक एक संक्रमण पर, स्थिति संक्रमण पर एक पुस्तक है, अनुभाग संक्रमण पर एक पुस्तक है, पूरे हैं, पढ़ो उतना कम है। जय धवला है महाधवला है, बहुत माल है अपने पास, इसमें प्रवेश करने की कोटी है। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या देखा, गुण संक्रमण की परिभाषा क्या देखी, जिनका बंधन नहीं पाया जाता, ऐसे अप्रशस्त प्रकृतियों का, जिनका बंध पाया जाता है ऐसी स्वजातीय प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमण होगा। तो आप कहेंगे ये अनंतानुबंधी स्वजातीय में तो जा हो रही है, वो प्रशस्त कहाँ है, परंतु वहाँ बंधने वाली, वो विसंयोजन की बात अलग है, परंतु जो लक्षण जो यहाँ बताया है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। यह केवल जिनका बंध पाया जाता है ऐसी ही उन्होंने बताई है, उसमें प्रशस्त ऐसी कंडीशन नहीं डाली है। अब ऐसे अब 76 की टीका पढ़ते, देखो गाथा पढ़ लेते। एवं विह संक्रमणम पढ़म कसायाण मिच्छ मिस्साणम संयोजन खवणाए इदरे सिम उभय से डिम्मी। देखो ऐसा असंख्यात गुणा क्रमयुक्त जो संक्रमण, उसका नाम क्या देखा था, गुण संक्रमण। ऊपर तो गुण संक्रमण की परिभाषा बताई, अब ऐसा गुण संक्रमण जो जिसको गुण संक्रमण कहते हैं, कहाँ होता है वो बता रहे हैं, अनंतानुबंधी कषायों का। देखो कषायों का यानी यहाँ कर्मों की बात हो रही है, यानी कर्मों का गुण संक्रमण तो उसके विसंयोजन में होता है। विसंयोजन का अर्थ हमने देखा था, अनंतानुबंधी जितना सत्ता में पड़ा है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, वो सारा का सारा एक अंतर्मूर्त में अन्य कर्म रूप परिणमित हो जाता है और अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट होती है, उसको कहना विसंयोजन। तो वहाँ ये गुण संक्रमण होता है अनंतानुबंधी का अन्य कर्म रूप। और मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी का गुण संक्रमण कहाँ होता है, उसकी क्षपणा में, यानी जब क्षायिक सम्यक्त्व का प्रकरण चलेगा तब ये बातें फिर आएगी, उसके पहले यहाँ नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होकर दोनों प्रकृतियाँ सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हो जाती है, तो वहाँ भी गुण संक्रमण होता है। ऐसा गुण संक्रमण कहाँ होता है उसका यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अन्य प्रकृतियों का गुण संक्रमण, जो नष्ट होने वाली या उपशमत होने वाली जो कुछ अन्य प्रकृतियाँ हैं उनका गुण संक्रमण उपशमक और क्षपक श्रेणियों में होता है, यानी आठवां गुणस्थान जो अपूर्व करण है और उससे आगे नवे गुणस्थान में ऐसे गुण संक्रमण होते हैं। जैसे उसमें भी एक उन्होंने उदाहरण दिया, श्रेणी में बंद रहित, ये श्रेणी यानी उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी की बात है, बंध रहित जो असाता वेदनी का तो बंध है नहीं है, उसका द्रव्य बध्यमाने ने बंधने वाली सजातीय साता वेदनी में संक्रमण करता है, वह कहते हैं। अभी उसका कितना द्रव्य है, कितना परिणमित होता है, उसकी बात हम छोड़ देंगे, ये तो यहाँ केवल उदाहरण दिया है कि कहाँ कहाँ गुण संक्रमण कौन कौन से प्रकृतियों का होता है। यानी अपनी बात यहाँ अपूर्वकरण की हो रही है, अपूर्वकरण में चार बातें और एक्स्ट्रा होती है, कौन सी, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। अब यहाँ स्थिति कांडक घात का स्वरूप कह रहे हैं, 79 पृष्ठ पर आ रहे हैं और गाथा हम 77 पढ़ेंगे।
पढ़मं अवरवरठिदि खंडम पल्लस्य संख भागम तु सायरपुदत्तमित्तम इदि संख सहस्र खंडाणि। देखो अपूर्व करण के पहले समय में किया हुआ स्थिति खंड, उसी का दूसरा नाम है स्थिति कांडक आयाम। आयाम का अर्थ क्या है, कितने निषेकों को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण किया है उसको कहेंगे आयाम, लंबाई, नंबर ऑफ निषेक। वो कितना है, वो तो जिसकी स्थिति कम है उसका कांडक भी छोटा होगा, और स्थिति जिसकी लंबी है उसका कांडक भी बड़ा होगा। तो जघन्य तो पल्ल के संख्यातवे भाग मात्र और उत्कृष्ट पृथक्त्व सागर प्रमाण है। पृथक्त्व नाम सात व आठ का जानना, यानी एक कांड कितना बड़ा होगा, सात के आठ सागर, इतनी स्थिति एक छोटे अंतर्मूर्त में घट जाएगी। उन निषेकों का घात होकर वो सारे परिणाम परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलेंगे। ख्याल में यही बात, एक कांडक द्वारा इतनी स्थिति घटाते हैं। यद्यपि यहाँ स्थिति सत्व सामान्य से अंतक कोड़ाकोड़ी है, क्योंकि हमने देखा था प्रायोगिक लब्धि में आते ही अंतक कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बनती है, परंतु अंतक कोड़ाकोड़ी हीनाधिक भी हो सकती है, इसलिए सामान्य उसका प्रमाण क्या है, कोड़ाकोड़ी से नीचे यानी अंतक कोड़ाकोड़ी सागर है। तथापि किसी के तो अंतक कोड़ाकोड़ी पल्य मात्र जघन्य स्थिति सत्व है, और किसी के अंतक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सत्व है। इसलिए स्थिति के अनुसार कांडक भी जघन्य उत्कृष्ट है, मध्यम में कांडक के भेद असंख्यात है, यानी कांडक के वेरिएशन हो गए यहाँ पर, उनमें संख्यात गुणे स्थिति के भेद है। इसलिए संख्यात स्थिति भेदों में एक कांडक भेद पाया जाता है। अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही समझेंगे जैसे स्थिति होगी वैसे कांडक के भी वेरिएशन होंगे। अब आगे देखते हैं 78 में गाथा। आ उगवच्चाणम ठिदि घादो पढ़माधुचरिमठिदि सत्तो ठिदि बंधो यपो ओ दिहु संखे जगुणहीनो। अपूर्व करण के पहले समय में जो स्थिति खंड यानी स्थिति कांडक, स्थिति सत्व और स्थिति बंध पाए जाते हैं, क्या कहा, ये स्थिति कांडक घात यहाँ शुरू हुए हैं अपूर्व करण के पहले समय में, उसका जो प्रमाण है वहाँ जितनी स्थिति पाई जाती है उसको स्थिति सत्व कहते हैं, उसका जो प्रमाण है, और यहाँ जो स्थिति बंध का प्रमाण था कहाँ, अपूर्वकरण के शुरू में, उनसे उसके अंत समय में यानी अपूर्वकरण में ऐसे स्थितिकांडक घात होते 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 अंत तक पहुँचा, तो स्थितिकांडक घात के कारण क्या हुआ, स्थिति घटती चली गई, इतना नहीं वो कांडक का प्रमाण भी छोटा छोटा होता गया। तो इनका प्रमाण यानी सबका प्रमाण, स्थितिकांडक का प्रमाण, स्थिति सत्व का प्रमाण और नए होने वाले स्थितिबंध का प्रमाण, वो क्या है, संख्यात गुणे हीन है। संख्यात गुणा हीन का अर्थ होता है संख्यात्वे भाग प्रमाण है, जैसे 64 संख्या है वो चार गुणा हीन हुई, उसका अर्थ क्या है, 16 हो गया, हाँ नहीं चौथे भाग प्रमाण 16। ऐसे यहाँ पहले जितना था अंत कोड़ाकोड़ी उसका संख्यात्वा भाग प्रमाण हो गई, अंत कोड़ाकोड़ी कहेंगे उसको। यहाँ संख्यात हजार स्थितिकांडक घात द्वारा कितने, एक दो नहीं, संख्यात हजार बार एक स्थितिकांडक घात पूरा हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ वो पूरा हुआ, फिर तीसरा, और हर एक के लिए एक अंतर्मूर्त काल लगता है, और उतने काल तक समान स्थितिबंध होकर फिर स्थितिबंध अपसरण भी होता है, ये भी चल रही है बात वहाँ पर। एट ए टाइम साथ साथ बहुत सारे क्रियाएँ प्रक्रियाएँ यहाँ एक साथ चालू हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है, फल क्या मिला, उसके अंत में शुरू में जितना था उससे उसके अंत में कांडक का आयाम भी संख्यात्वे भाग प्रमाण हुआ, स्थिति सत्व भी घटते घटते संख्यात्वे भाग प्रमाण हुआ,
और स्थितिबंध जितना होता था वो भी घटते घटते संख्यात्व भाग प्रमाण हो गया अपूर्वकरण के अंत में। स्थिति के अनुसार स्थिति कांडक का प्रमाण होता है, इसलिए स्थिति कांडक का संख्यात गुणा हीन होना जानना। संख्यात हजार स्थितिबंधापसरण, यानी स्थितिबंध को घटने को स्थितिबंधापसरण कहा था। ये शब्द थोड़े थोड़े याद रखने पड़े ना। स्थिति कांडक घात होता है तो स्थिति कट हो जाती है, स्थिति सत्व, और स्थितिबंधापसरण होता है यानी नया होने वाला स्थितिबंध घटकर कम होता है, ये स्थितिबंधापसरण। तो स्थिति के अनुसार स्थितिबंध का संख्यात गुणाहीन हो जानना क्या कहते हैं, जितनी स्थिति घटेगी उतना उसका कांडक का प्रमाण भी घटेगा, और जितनी स्थिति कम वो नया होने वाला स्थितिबंध उससे भी कम। इसलिए जहाँ स्थिति घटती है वहाँ कांडक का प्रमाण भी घटता है और स्थितिबंध का प्रमाण भी घटता है। तो ये तीनों ही घटते घटते संख्यात्व भाग प्रमाण हो गए, अपने अपने संख्यात्व भाग। तो ये तो स्थिति कांडक घात की बात बताई, अब यहाँ अनुभाग कांडक घात भी हो रहे हैं, उसका भी हम स्वरूप देखेंगे। 79 नंबर, एक कठिदि खंडय निवडन ठिदि बंध ओ शरण काले संघे जसहसाणिय निवडन्ति रसस खंडाणी। देखो, जिसके द्वारा एक बार स्थिति सत्व घटाते हैं ऐसा स्थिति कांडकोत्करण काल, क्या कहते हैं, एक स्थिति कांडक घात होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, उसको कहेंगे स्थिति कांडकोत्करण काल। उत्करण यानी नीचे आ जाना, वो सारा घात होना। और जिसके द्वारा एक बार स्थिति बंध घटाते हैं ऐसा स्थिति बंधापसरण काल, यानी पहले तो अवस्थित रहता है फिर घटता है, फिर उतना रहता है फिर घटता है, उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण काल। ये दोनों समान अंतर्मूर्त मात्र है, दोनों का काल समान है। जितने काल लगता है एक स्थिति कांडक घात होने के लिए उतने ही काल में स्थितिबंध एक से जाकर दूसरा हो जाता है। उस एक अंतर्मूर्त में जिसके द्वारा अनुभाग सत्व घटाते, अनुभाग का भी सत्व घटा रहे, जितना ऑलरेडी सत्ता में अनुभाग पड़ा था मैक्सिमम वो घटकर उसके अनंत में भाग में हो जाएगा। तो अनुभाग सत्व जिसके द्वारा घटता है ऐसे अनुभाग खंडोत्करण या कांडकोत्करण एक ही बात है, उसके काल संख्यात हजार होते हैं। इसका अर्थ क्या है, एक स्थिति कांडक घात होता है उसके लिए जो अंतर्मूर्त काल लगता है उसी अंतर्मूर्त में संख्यात हजार बार अनुभाग कांडक घात होते हैं, और एक अनुभाग कांडक घात होने के लिए भी अंतर्मूर्त लगता है। यानी वो अंतर्मूर्त कितना छोटा होगा, यानी संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात होते हैं तो एक बार स्थिति कांडक घात होता है, और ऐसे संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होकर अपूर्वकरण के शुरू से अंत तक हम आ गए, क्योंकि उस काल से यह अनुभाग खंडोत्करण काल संख्यात विभाग है, यानी संख्यात हजार को संख्यात्वा कहा। अब आगे देखते हैं हम 80 नंबर, अभी हम डायरेक्ट टीका पढ़ेंगे, हाँ अभी समय कम है। अप्रशस्त जो असातादि प्रकृतियाँ उनका अनुभाग कांडक आयाम अनंत बहुभाग मात्र है। ये जो अनुभाग कांडक घात होगा ये प्रशस्त प्रकृतियों में होगा कि अप्रशस्त में है, अप्रशस्त, क्योंकि प्रशस्त का तो अनुभाग बढ़ रहा है, अप्रशस्त होंगे अनुभाग घट रहा है। तो पहले पाप किया है हमें, अभी क्या करेंगे, अभी हमारा कैसा कल्याण हुआ, कुछ धन्य की बात नहीं। ये तो सभी पूर्व में बंधे हुए अनुभाग जो अप्रशस्त कर्मों के हैं वो अनंत गुना घटते चले जाते हैं। तो यही क्या कहते हैं, असात आदि प्रकृतियाँ उनका अनुभाग कांडक आयाम अनंत बहुभाग है। यानी वो कांडक कितना है, जो स्पर्धकों में गिनना है अभी, वो निषेकों को याद मत करो। निषेकों में हमने देखा था पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण या जो हीनादि अनु कांडक का प्रमाण होता है। स्पर्धक कितने देखे हमने, अनंत होते हैं। यानी जो मैक्सिमम अनुभाग है उसके अनंत बहुभाग प्रमाण स्पर्धकों का नाश होकर अनंत वे भाग प्रमाण स्पर्धक अवशेष रहते, फिर भी वो भी अनंत रहते हो। हाँ,
अपूर्वकरण के पहले समय में जो अनुभाग सत्व पाया जाता है उसको अनंत का भाग देकर वहाँ एक कांडक द्वारा बहुभाग घटाता है और एक भाग अवशेष रहता है। यानी एक कांडक हुआ तो अनंतवा भाग अवशेष रहा, दूसरा कांडक हुआ जो रहा उसका भी अनंतवा भाग शेष रहा, तीसरा कांडक हुआ जो अनंतवा भाग रहा उसका अनंतवा भाग रहा। ऐसे संख्यात हजार कांडक होते हैं तो एक स्थिति कांडक घात हुआ उसमें वो कितने बार अनंतवा भाग हुआ, और ऐसे स्थिति कांडक घात भी संख्यात हजार हुए तो अनुभाग कितना घटा, ख्याल में आती है ना बात। हम पहले उदाहरण देते, ये कोई ग्लास भर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालो वो डीप कलर आ जाएगा उसका, तो उसको लेकर हमने एक बड़ी टांकी में डाल दो तो क्या होगा, डाइल्यूट दिखेगा। और फिर उसमें से एक ग्लास निकालो और फिर बहुत बड़े तालाब में डालो पता ही नहीं चलेगा, उसमें से एक ग्लास निकालो और हमारे वो महासागर में डाल दो, समुद्र में डाल दो, तो है कि नहीं, तो है कि नहीं वहाँ पर, हाँ, परंतु वो नहीं के बराबर। ऐसे अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग ऐसे घटते चले जाता है, हाँ। तो ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त मूर्त उसमें भी वो एक एक फाली वगैरह उस रूप से वो कार्य होता रहता है। इस तरह से अभी हमने जो देखा है कि यहाँ अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, यानी ये अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में से अपूर्वकरण शुरू होता है, तो उसमें चार बातें होती है, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। और अभी आगे अनिवृत्तिकरण में क्या क्या होता है उसकी बातें हम दोपहर में देखेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की।